एक्सेल से न्यूज में आप सभी का स्वागत है दर्शकों आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और कल रात से दो जिलों में ये मुठभेड़ हमें देखने को मिली पहला एनकाउंटर जो है शोपियां जिले में और दूसरा एनकाउंटर जो है वो बारामूला जिले में हमें देखने को मिला दर्शकों आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां के चित्रगाम इलाके और उत्तरी कश्मीर के बारामूला के येदीपुरा इलाके में रात भर से मुठभेड़ शुरू हुई दोनों स्पॉट्स पर गोलियों का आदान प्रदान किया जा रहा था जिसमें पट्टन बारामूला में फिलहाल दोनों आतंकवादियों को मारने में कामयाबी हासिल हुई है वहीं शोपिया के चित्रगाम इलाके में अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भागने में सफल रहे सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू करने के बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई थी दरअसल सुरक्षा बलों को देर रात सूचना मिली थी कि चित्रगाम में कुछ आतंकी एकत्रित हुए हैं इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया और देखते ही देखते ये तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया और इसी तरह की इनपुट बारामूला के लिए भी थी जिसमे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए मुहिम छेड़ दी थी दर्शकों को यह भी बता दें कि इससे पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में मंगलवार और सोमवार को तीन आतंकवादी मारे गए थे दर्शकों फिलहाल दोनों स्पॉट्स पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है हालांकि हमने दो आतंकवादियों को मारने में सफलता जरूर हासिल की है लेकिन शोपिया जिले में आतंकवादी जो है भागने में सफल रहे दर्शकों आपको बता दें कि मारे गए आतंकवादी जो है वो जैश ए मोहम्मद संगठन से ताल्लुक रखते थे इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे नमस्कार